माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। माँ के पैरों में ही औलाद की जन्नत होती है। औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन ये सब महज कहने की बातें हैं, क्योंकि आजकल इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि औलाद ने अपने माँ बाप के साथ बद से बदतर व्यवहार किया। किसी ने बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया तो किसी ने बाप को बेसहारा कर दिया। ऐसी एक घटना दिल्ली के बिंदापुर से सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी 76 साल की बूढ़ी माँ को थप्पड़ मारते दिख रहा है। इस शख्स ने अपनी माँ को इतनी तेज थप्पड़ मारा कि वो सड़क पर ही बेसुध होकर गिर पड़ी। बेटे से मिली ये चोट माँ के दिल और जान दोनों पर भारी पड़ी और उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना बिल्डिंग के पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसे किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामले की शुरुआत बिल्डिंग के पार्किंग में झगड़े से हुई, जिसकी शिकायत एक महिला ने पुलिस में की थी। लेकिन बाद में बताया गया कि मामला सुलझ चुका है। वायरल वीडियो से जानकारी मिली कि आरोपी रणवीर का अपनी पत्नी और माँ के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान ही रणवीर ने अपनी माँ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके बाद बुजुर्ग माँ सड़क पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। वीडियो वायरल होने पर महिला की मौत की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें एक शख्स अपनी मदर को जो है स्लैप कर रहा है, स्लैप के बाद में जो रेडियो गिर जाती है, 70+ उसकी एज है और लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है। और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ, सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है। ETV भारत के लिए दिल्ली से नवीन निश्चल की रिपोर्ट।